हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक नया ऑब्जेक्ट वास। जो फ्लावर पॉट भी कह सकते हैं, तो एक कंटेनर जो डेकोरेटिव फ्लावर्स वगैरह हम रख सकते हैं यहाँ पर, और या तो इसे स्केल करके छोटे ऑब्जेक्ट में हम इसे पेंसिल बॉक्स वगैरह या स्टेशनरी कुछ भी प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए, एज ए डेकोरेटिव के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं होम डेकोरेशन के लिए। एक्चुअल में हम इसे बनाने का जो रीजन है हमारा, जो एक नया टूल हम यूज करने जा रहे हैं ब्लेंडर में, जो कि लास्ट टाइम हमने दो टूल्स देखे थे, इतना मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी। लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो था सॉलिडिफाई और एक्सट्रूड। तो आज हम एक और टूल का यूज करेंगे जो कि बूलियन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेंगे, सपोज कि इसे हमने लिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आउटर फेस है, ये जो आउटर पार्ट है, ये एक सिलेंडर है टोटल। और यहाँ पर तो ये जो आउटर पार्ट जो है, इसे हम एक सिलेंडर लेंगे, इनर का भी एक सिलेंडर लेंगे, बट उसे थोड़ा सा शेपिंग देंगे। और आउटर में ये जो गैप्स है, इस गैप्स को हम बुलियन से यूज करेंगे, और साथ ही हमारा एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ब्लेंडर में आते हैं, और यहाँ पर मैं व्यू चेंज कर रहा हूँ, फ्रंट व्यू में लेआउट को भी स्ट्रेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ इमेज। इमेज में जाके रेफरेंस इमेज, और जो इमेज मेरा यहाँ पर सेव है उसे मैं इंपोर्ट कर दे रहा हूँ, रेफरेंस इमेज और वास वास वेस। तो कोई भी ले रहा हूँ मैं, फिलहाल के लिए इसे ले रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पर आ गया है, इसे हम डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, बाद में हम चाहिए तो इसे स्केलिंग वगैरह कर सकते हैं, और पिवट में यहाँ पे 3D कर्सर के यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसे सेंटर पे रखने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट सेंटर नहीं भी आए तो टेंशन नहीं है, हमें जस्ट सिर्फ रेफरेंस के लिए हमें यूज करना है। फिलहाल हम यहाँ पर सिलेंडर ले रहे हैं, और सिलेंडर के साइज जो है मैं कम कर दे रहा हूँ ताकि ऑपरेटिंग के लिए इजी हो। और इसका जो साइज है सिलेंडर का, इसे भी हम बाद में स्केलिंग करेंगे जो स्टैंडर्ड साइज होगा, फिलहाल हम जस्ट क्रिएट कर रहे हैं इसे। यहाँ पर मैं इसे ऊपर लेके जा रहा हूँ, और इसका जो पाइवट है यानी कि 3D कर्सर, ओरिजिन टू 3D कर्सर कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे वैल्यू चेंज करके देखते हैं, तो ये हमारा सेंटर जो है परफेक्ट है नहीं अभी। और इसे हम थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके कोशिश करेंगे सिमिलर रखने के लिए, 1.2 रखता हूँ। और हाइट 1.2 अगर एक्स है तो इसे भी 1.2, हाइट थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पे 2.5 आई थिंक, चलेगा। अब यहाँ पर एक चीज हम कर सकते हैं, एक कॉपी हम रखेंगे इसका, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इस कॉपी को सिलेंडर वन को हम थोड़ा सा शेप दे देंगे। पहले तो कुछ लूप सेट करेंगे, लूप्स ऐड करने के बाद इसे हम स्केल करेंगे, जो इनर शेप है उसके अकॉर्डिंग मैं शेप कर रहा हूँ। आउटर का हम जो टूल यूज करने वाले हैं उसमें से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। साइड में रेफरेंस देखना हो तो भी देख सकते हैं। इसे फिलहाल के लिए स्ट्रेट रखता हूँ, यहाँ पर एक और लूप की जरूरत है। जो अपर वाला जो है इसे भी हमें स्केलिंग करना है थोड़ा,
यहाँ से जो शेप है क्रिएट हो रहा है, तो उसके बेस पे यहाँ पर कुछ इस तरीके से शेप आएगा। यहाँ पर भी कर्व की जरूरत है, तो एक और लूप यहाँ पर भी ऐड करेंगे, इसे भी स्केल करेंगे। ओके, और एक लूप यहाँ पर दे देते हैं सपोर्टिव लूप, और एक यहाँ पर भी हमें स्केल करना है, ताकि ये हमारा जो आउटर ऑब्जेक्ट है उससे अंदर में ये हमारा शेप जो है क्रिएट हो सके। ओके, तो बेसिकली इनर पार्ट जो है हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, इसे हम एज इट इज रहने देंगे। फिलहाल आएंगे सिलेंडर वन पे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो हमें कट्स करने हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी का एक कॉपी अगर लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। अब सिलेंडर टू से जो हमने रखा हुआ है, अब इसको क्या करेंगे, सीधा एक छोटे शेप में कन्वर्ट कर देंगे, इतना आई थिंक। ओके, और यहाँ पर रख देता हूँ एज ए रेफरेंस। अब यहाँ पर ये एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको थोड़ा सा हाइट दे देते हैं, 12 जो है और एक्स्ट्रा हमें ऐड करना है। ओके, जो कि बुलियन से हम इसे एज ए सब्ट्रैक्ट यूज करेंगे। ओके, जो सिलेंडर टू है इसे मैं थोड़ा सा बड़ा साइज ले लेता हूँ, लेंथ विड्थ। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसे हम कॉपी रखते हैं, शिफ्ट सॉरी शिफ्ट डी के साथ, और इसे मैं स्ट्रेट यहाँ पर रखता हूँ, फिर इसे कंट्रोल आर से कंट्रोल शिफ्ट आर, ओके सॉरी शिफ्ट डी कंट्रोल स्टेप पीछे जाते हैं, शिफ्ट डी। मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके ओके, तो सबसे पहले शिफ्ट डी के साथ कॉपी किया, और उसके बाद जब हम शिफ्ट डी यूज करते हैं तब कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो स्ट्रेट डायरेक्शन में आएगा, उसके बाद शिफ्ट आर से हम से रिपीट कर सकते हैं। ओके, तो इतना रिपीट आई थिंक काफी है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमने रिपीट्स किए हुए इन सबको पकड़ के, या तो यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बेसिकली सिलेंडर टू और थ्री जो है वो आई थिंक दो कॉपी यहाँ पर है। ओके, दो कॉपी है, तो टू से लेकर नीचे 13 तक हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसे कंट्रोल जे करेंगे ताकि सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाए, और फिलहाल ये रेफरेंस को थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर इस सिलेंडर को क्लिक करके हम यूज करने जा रहे हैं सरफेस डीफॉर्म, सॉरी बुलियन में आएंगे। सरफेस डीफॉर्म में भी मैंने एक टॉपिक सोचा हुआ है, दो तीन टॉपिक्स है जो नेक्स्ट हम देखेंगे, तो आज के लिए हम जस्ट बुलियन में आते हैं। तो बुलियन में यहाँ पर दो तीन ऑप्शंस है, देखिए डिफरेंस, तो आज हम इसे डिफरेंस को यूज करने जा रहे हैं। तो डिफरेंस में हमारा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और अदरवाइज हम पिक भी कर सकते हैं, तो दोनों यूजफुल है। तो हमने यहाँ पर पिक किया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्सप्ले मोड पर से मैं सिलेंडर वन हाइड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करूँ तो हम देख सकते हैं रियल टाइम बुलियन कैसा होता है। ओके, रियल टाइम बुलियन हम देख सकते हैं, इस तरीके से कट्स दिखेंगे। ओके, कुछ इस तरीके से,
तो मैं इसे कंट्रोल जेड कर रहा हूँ ताकि उसके पोजीशन में फिर से आ जाए। तो ये हमारा बुलियन ऑब्जेक्ट बुलियन कमांड जो है इसे अब हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद सिलेंडर टू जो है इसे हाइड कर देंगे, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारा रेफरेंस जो है उससे रेफरेंस को थोड़ा पीछे रख के चेक करेंगे। ओके, इस तरीके से तो रेफरेंस से मिलता जुलता ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर हमें ऊपर से भी होल की जरूरत पड़ेगी। ओके, और ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है इसमें बेस चेक करते हैं हम। ओके, बेस को थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ ताकि बेस जो है सॉलिड रहे। और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को हमें होलिंग में लेना है तो इसे मैं थोड़ा सा अपर साइड में लेकर जाता हूँ। अदरवाइज तो हम यहाँ से स्ट्रेट भी ले सकते हैं क्योंकि एंडिंग पोर्शन है, तो यहाँ पर जरा सा हम फेस सेलेक्ट करेंगे और जस्ट एक्सट्रूड देंगे स्ट्रेट ऊपर के साइड। ओके, अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब जो है ये ऑब्जेक्ट हमारा सॉलिड है, तो लास्ट टाइम हमने जो यूज किया था सॉलिडिफाई उसे हम फिर से यूज करेंगे। तो अपर और बॉटम के जो फेस है दोनों को हम फेस डिलीट कर देंगे। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट होलो हो गया है। अब हम सॉलिडिफाई यूज करेंगे, जो लास्ट टाइम हमने यूज किया था उस टूल को रिपीट कर रहे हैं हम। ओके, और यहाँ पर मैं थिकनेस थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, 0.1 दे रहा हूँ। ओके, 0.1 आई थिंक इनफ है इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ओके, अदरवाइज तो 0.2 भी रख सकते हैं। फिर हमें स्केल भी करना है ऑब्जेक्ट को। ओके, इनर साइड रखा है और इवन थिकनेस, फिर अप्लाई। ओके ओके, मॉडिफाई कैन नॉट अप्लाई, एडिट मोड पे है तो इस एडिट मोड से निकल के अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हम आएंगे, अब हम देख सकते हैं, सॉरी सिलेंडर टू नहीं सिलेंडर वन, ये हमारा बेस हो गया और यहाँ से कुछ इस तरीके से है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, जो ऑब्जेक्ट हमने अब क्रिएट किया हुआ है इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में यहाँ पर होल चाहिए और ये जो सेंटर फील है ये भी होल में चाहिए। तो जो हमने अभी सॉलिडिफाई यूज किया हमने एक स्टेप गलत किया जो कि हमें कंट्रोल जेड करने पे मजबूर कर रहा है। जब हमने इसे डिलीट किया तो इसका एक कॉपी इस ऑब्जेक्ट का हमें ले लेना था। ठीक, जो हम अब ले लेंगे कॉपी और इसे हाइड कर देंगे। फिर यहाँ पर आकर हम जो प्रोसेस को किए थे उसे कंटिन्यू करेंगे। बॉटम डिलीट, फेस और सॉलिडिफाई, फिर 0.2 इवन थिकनेस, देन अप्लाई। ओके, अगेन एडिट मोड, देन अप्लाई। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हमें होलिंग की जरूरत है तो हम सीधे सीधे आ जाते हैं, सिलेंडर वन बंद करते हैं, सिलेंडर थ्री ऑन करते हैं। ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट एक प्रॉपर स्टेप के हिसाब से हम कर रहे हैं। इसे हम फिर से बुलियन में जाएंगे और अगेन हमें डिफरेंस यूज करना है। ओके, अब इसे भी अप्लाई कर देंगे और इसे भी हाइड कर देंगे। ओके, तो ये हमारा होलो ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरीके से जो रेफरेंस के बेस पे है क्लियर हो गया होलो। ओके, अब हम सीधा इसे यूज कर सकते हैं सिलेंडर। ओके, ये हमारा होलो ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं कुछ भी कंटेनर के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। ओके, अगेन ये जो हाइट है इसे मैं थोड़ा सा जो बढ़ा दिया था इसे मैं कम करना चाहूँगा लेवल के हिसाब से, तो फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। ओके,
यहाँ पर एक चीज मैं कर सकता हूँ, ये जो अपर फेसेस है ये सारे डिलीट कर सकता हूँ। और एज सिलेक्शन के साथ इसे मैं स्लाइड कर दूंगी थोड़ा सा इसके लेवल पे। और दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्रिज लूप्स, तो ये ब्रिज हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। और इसे चाहिए तो हम जरा सा एक्सटेंड कर सकते हैं इसके लेवल के हिसाब से। अब जो है फिनिशिंग वर्क्स है, तो फिनिशिंग वर्क्स करना है तो इसके लिए हमें एडिट ऑब्जेक्ट मोड पे आके इसे सपोर्ट लूप्स वगैरह देके इसे जस्ट फिनिशअप करना है। तो यहाँ पर जस्ट दे देंगे कंट्रोल डी से इसे हम थोड़ा बेवल दे देंगे, और यहाँ पर एच दे के इसे मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ नीचे की तरफ ताकि हम इसे स्मूथनेस दे सके जो फिनिश ऑब्जेक्ट है। कंट्रोल बी, ये रिपीटेटिव टास्क है इसलिए मैं जरा सा स्पीड में कर दे रहा हूँ। सब डिवीजन मॉडिफाई व्यू पॉइंट में भी 2 करता हूँ शेड स्मूथ। ओके अब आएंगे यहाँ पर और इसे भी हम शिफ्ट एच हिडन मोड पे आ जाएंगे। और यहाँ पर देखने जैसी बात है, काफी प्रॉब्लम्स यहाँ पर है। जैसे कि ये जो बेस है, बेस तो हमें इंसेक्ट करके यहाँ पर 2 स्टेप है, कोई भी स्टेप हम यूज कर सकते हैं। एज सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ इसे डिसलेक्ट, और यहाँ पर ब्रिज लूप कर सकते हैं फेस पे। ओके वीडियो काफी लंबा हो रहा है, मैं यहाँ पर स्टेप्स जल्दी जल्दी क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर एक्सरे मोड पर समझना शायद थोड़ा सा कठिन हो, तो मैं जस्ट अपने हिसाब से इसे कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ओके सॉरी। शिफ्ट एच करके भी ले सकते हैं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन अगर हो तो हम जस्ट सिर्फ इसी फेस के ऊपर वर्क करके फिर से अपने रियल ऑब्जेक्ट पे जा सकते हैं। तो काफी ऐसे ऑप्शंस हैं ब्लेंडर में जो कि हम धीरे धीरे यूज करेंगे। अल्ट एच। ओके अब फिर से फेस सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक्सरे मोड बंद कर देता हूँ। अब यहाँ से जो स्टेप्स है वो काफी इजी हो जाएगा, दोनों एज को सिलेक्ट करना है और ब्रिज देना है। सिमिलरली सारे फेजेस जितने भी है वो सब सिलेक्ट करके मैं एक साथ डिलीट कर दे रहा हूँ।
ऐसे एक बार कंट्रोल सेव कर देता हूँ ताकि हमारा फाइल जो हमने अब तक वर्क किया है वो उड़ ना जाए। ओके, अनटाइटल के नाम से ब्रिज। ओके, तो ये जो है रिपीटेटिव टास्क है, तो इसे हम अपर फेस में कर चुके हैं। अब लोअर साइड में भी एक स्टेप रिपीट करना होगा। ओके, इसे कंप्लीट होते हुए अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है, अदरवाइज रिपीटेटिव टास्क है, मैं इसे जल्दी जल्दी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनली हम एंडिंग तक पहुंच चुके हैं। ओके, तो एज ए रेफरेंस, जैसे कि सारे एजेस स्मूथ है, अपर वाला जो एज है वो काफी स्मूथ है, तो मैं अपर वाले को सबसे पहले बेवल दे देता हूँ, जरा सा एक सेगमेंट भी ऐड कर देता हूँ, 0.05 ले लेते हैं और एक सेगमेंट ऐड कर देता हूँ। ओके, और बाकी सब में भी हम एडजस्ट दे देंगे सपोर्ट लूप्स। ओके, मैं सिंपली जस्ट क्लिक करते जा रहा हूँ यहाँ पर। कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, बस रैंडमली मैं यहाँ पर एडजस्ट ऐड करके जा रहा हूँ ताकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे थोड़ा सा हार्डनेस मिले। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर इसे हम स्मूथ भी करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि यहाँ पर सपोर्ट लूप्स है, यहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए हमें सपोर्ट लूप्स की बहुत जरूरत है। यहाँ पर इसलिए मैं जल्द से जल्द इसे रिपीट करते हुए थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इनर साइड में आई थिंक हम नहीं देंगे, चलेगा। ये जो अपर और लोअर पार्ट्स है इसमें हम देख सकते हैं, एक बार हम चेक भी कर सकते हैं इसे, हमारा रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है। ओके, इनर साइड में यहाँ पर नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, अगर दे देंगे तो और भी अच्छा है।
सॉरी, वीडियो काफी लंबा बन रहा है। अगेन मैं ये कह रहा हूँ ये रिपीटेटिव टास्क है, उसके बाद हम इसे क्लोज करने जा रहे हैं। जस्ट क्लिक कंट्रोल बी एंड ड्रैग। ओके, उसी तरीके से इसे उल्टा करके बॉटम से भी दे देते हैं। एज इनर साइड में नहीं देंगे, आई थिंक वो एडजस्ट हो जाएगा, बट यहाँ पर आई थिंक ये एज हम 3D प्रिंटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। उस कंडीशन के बेस पे मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ ताकि घर में डेकोरेटिव के लिए हम इसे इजीली 3D प्रिंट करके भी हम घर पे रख सकते हैं। फाइनली हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अब हम इसे स्मूथ। तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट क्लियरली कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर हम एक मटेरियल भी दे देंगे कि ब्लैक है। ओ सॉरी। ओके दोस्तों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का हमारा बन गया है। बीच बीच में कंट्रोल लेस करते रहना बहुत जरूरी है, जो कि मैं नहीं कर रहा था, और मुझे ऑब्जेक्ट जो है फिर से हाफ से कंटिन्यू करके फिर से आना पड़ा। ओके, तो यहाँ पर हम फिर से आ गए हैं। एक मटेरियल हम ऐड करेंगे, यहाँ पर ब्लैक मटेरियल ही ऐड करते हैं। ओके, और बैकग्राउंड जो है इसे हम रियल टाइम में लेकर जाते हैं। बैकग्राउंड कलर इससे वाइट देंगे। ओके, और इस ऑब्जेक्ट को भी हम सेम मटेरियल दे देते हैं जैसा कि हमने रेफरेंस में देखा। तो ये हमारा जो रेफरेंस इमेज का जो ऑब्जेक्ट है, एज इट इज हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पर हम जरा सा लाइटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैंने जो एक बात कहा था कि हमें इसे स्केल करना है। ओके, तो स्केलिंग के लिए हाइट जो है यूनिट पहले हम सेट करेंगे। ये एक बेसिक सी चीज है, सेंटीमीटर। और यहाँ पर हाइट मुझे अप्रोक्स 20 सेंटीमीटर मैक्सिमम चाहिए, तो यानी कि मुझे ये इसे 25 अगर मैं से कम करूँ। सबसे पहले हम दोनों ऑब्जेक्ट को कंट्रोल ए करके स्केल कर लेते हैं। स्केल 1 वर्क हो गया। अब इसे हम स्केल अप करेंगे 1.08 आई थिंक। ओके, तो 20 सेंटीमीटर के नियर अबाउट है। 0.07 काफी छोटा ना हो जाए। सिमिलरली इसे भी 0.075 Okay. तो फाइनली इस ऑब्जेक्ट को हमने स्केल कर दिया है। इसे भी फिर से कंट्रोल ले स्केल कर देंगे, और ये जो दो तीन ऑब्जेक्ट जो है हमारे रेफरेंस के साथ, इसे हम डिलीट कर देंगे जो कि अभी हाइड है। के हमें इस दो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करके वर्टिकल स्प्लिट कर देंगे स्क्रीन को, और यहाँ पर रियल टाइम ले लेंगे, और यहाँ पर ऐड करेंगे एक लाइट। ओके, लाइट की वैल्यू बहुत कम कर देंगे, जो डिस्टेंस है 50 इनफ है आई थिंक। ओके, और
बैकग्राउंड का कलर अगर कुछ दूसरा रखना हो तो भी रख सकते हैं, बट आई थिंक ग्रे या तो वाइट वाइट ही ज्यादा बेटर रहेगा। ये ठीक है, वाइट रखते हैं फिलहाल के लिए, फिर आगे देखते हैं। ये इस लाइट को हम यहाँ पर लेके जाते हैं। और लाइट की जो पावर इंटेंसिटी है इसे कम कर देता हूँ मैं, स्पेस बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से फील आएगा। थोड़ा सा 30% 30 अदरवाइज 20 भी रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक और लाइट ऐड करता हूँ मैं, जो बैक साइड थोड़ा सा रहेगा। कुछ इस तरीके से इसका भी पावर जो है बहुत ही कम कर दूंगा, 2 है तो इस 1 कर देंगे इसे। अब हम यहाँ पर एक कैमरा सेट करेंगे। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है एज इट इज हम यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एज इट इज नहीं भी हो तो भी ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट है। तो लाइटिंग चेंजेस करके, डायरेक्शन और कैमरा सेटअप करके अपने हिसाब से इसे अच्छा लुक दे सकते हैं। कैमरा सेट कर रहा हूँ, बीच बीच में कंट्रोल सेट करना बहुत जरूरी है, वरना फाइल एक बार बंद हो जाए तो फिर से क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। ओके, काफी दूर जा रहा है। अच्छा, हम इसे HD के जगह में अगर हम इसका साइज चेंज करना चाहे तो भी कर सकते हैं, आउटपुट में आ जाएंगे। इसे सिमिलर स्क्वायर टाइप का फील दे सकते हैं। और बैकग्राउंड में आई थिंक कुछ दूसरा कलर करने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग सा। और ऑब्जेक्ट को अगर हम चाहें तो ब्लैक के जगह में मेटेलिक भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है हमें किस तरीके का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मेटेलिक भी दे सकते हैं। और बैकग्राउंड जो है आई थिंक थोड़ा लाइट कलर ज़्यादा बेटर है, आई थिंक वाइट ही ज़्यादा सही है। और इसे एक और कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल के दोनों को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ पर एक और हम कॉपी क्रिएट कर चुके हैं। कि थोड़ा सा हम आगे पीछे भी सेट करके जैसा हमें कैमरा व्यू चाहिए उस हिसाब से हम इसे रेंडर कर सकते हैं, बट आई थिंक मैं ज्यादा इसे वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इसे एक ही ऑब्जेक्ट में रखकर इसे क्लोज कर रहा हूँ, रेंडर करके क्लोज कर रहा हूँ।
एक बार रियल टाइम इसे बंद करके जरा व्यूज जल्दी सेट कर दूं, फिर हम अच्छे से इसे रेंडर कर सकते हैं। ओके, तो फाइनली हमारा कैमरा एंगल जो है सेट हो चुका है। इसे इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, इसे मैं जस्ट थोड़े से छोटा रख के जस्ट ऑब्जेक्ट रेंडर कर रहा हूँ, कोई भी बैकग्राउंड सेटअप वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी हमारे 35 मिनट्स हो चुके हैं वीडियो को। ओके, तो ये हमारा जो है रेंडर इमेज कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ये हमारा फाइनल आउटपुट है। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।